यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कल हम फ्रूट उतार रहे थे, आज भी थोड़ा फ्रूट उतारा हमने, तो देखा कि भाई किसान मित्रों के साथ एक बार ये बात डिस्कस कर ले कि किस तरह के फ्रूट हमें निकालने चाहिए। अब सपोज कि आज हमें फ्रूट निकालने हैं और कल हमें मार्केट में डालने हैं, तो हमें किस तरह के फ्रूट उतारने चाहिए। फिर अगर आप घर पे कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत ये ड्रैगन फ्रूट का, तो कौन सा फ्रूट, किस तरह का फ्रूट दिखता है जो पका हुआ फ्रूट रहता है, और फ्रूट को किस तरह से उतारा जाता है। तो हमने सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि भाई किस तरह से ना काटे, उसको किस तरह से काटे, तो ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पहले फ्रूट निकल के आते हैं वो किस तरह से दिखते हैं वो यहाँ पे आके दिखाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फ्रूट हम फल निकाल के आते हैं, इसके पीछे ये पत्ता लगा हुआ होता है, तो पहले इस पत्ते को इस तरह से निकाल दे, और ये सूखी पत्तियां जो है यहाँ पे, ये सारी पत्तियां भी आप यहाँ से रिमूव कर दे इसको, तो ये फल जो है दिखने में भी अच्छा हो जाएगा, और ये फल जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा कच्चा फ्रूट है, ये कल या तो परसों पकेगा, तो अगर दो दिन एक दिन ट्रांसपोर्टेशन में रहेगा तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रूट थोड़े बहुत निकाल के रखे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर फ्रूट को कोई काटे आप, तो कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा जूम करें, वो यहाँ पे नजदीक आए मेरे। फ्रूट को अगर आप काटते हैं तो ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये झाड़ का जो भाग है ये यहाँ पे बचना चाहिए। मैं एक फ्रूट ऐसा ढूंढ लेता हूँ आपके लिए जिसमें मैंने खरोच लगाई थी, शायद वो है नहीं है, मेरे को मैंने नहीं पता है मुझे यहाँ पे, पर उसमें अगर हल्का सा भी आप अगर फ्रूट काटते हैं और किसी तरह इस साइड पे या तो कहीं भी साइड पे ये खरोच लग जाती है, तो वो फ्रूट थोड़ा जल्दी बिगड़ता है। हालांकि वो इतना जल्दी नहीं बिगड़ता है, पर अगर आपको लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में डालना है तो इस तरह का फ्रूट आप ना उतारे। अभी ये जो फ्रूट है ये कल के दिन में पकेगा, आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये हमारे पास अभी रेड में बहुत ही बड़ा फ्रूट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तकरीबन 500 ग्राम के अगल बगल का ये फल हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 500 ग्राम के अगल बगल का ये फल है, और बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं। रेड के अंदर ये फल अगर है तो अभी तारीख चल रही है 3 सितंबर, तो 3 सितंबर के अंदर रिटेल मार्केट में इस फल का प्राइस अभी 250 रुपए चल रहा है, 250 रुपए में केजी ये फल अभी बिक रहा है। तो प्राइसिंग की बात तो मैंने की, अभी हेल्थ बेनिफिट इसके आप सभी को पता है, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसको कंट्रोल करता है, डायबिटीज के अंदर ये यूज में आता है, फिर ब्लड सेल्स जो है उसको बढ़ाने में काम करता है ये, तो ये रेड वाला फल है। और बाकी आप यहाँ पे नजदीक आके देखें तो इसको इस तरह से निकाला जाता है जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो आप हमारी वीडियो को इसी तरह से प्यार दे, तो इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के ड्रैगन के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, पर दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ड्रैगन फ्रूट को कैसे काटा जाता है ये सारी चीजें जानना चाहते हैं, इसकी खेती के बारे में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो डालेंगे कि भाई ड्रैगन फ्रूट, रेड ड्रैगन फ्रूट जो है उसको कैसे काटा जाता है, उसको खाया कैसे जाता है, उसका स्वाद कैसा लगता है, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें येलो ड्रैगन के बारे में हम आपको बताएंगे कि भाई येलो ड्रैगन को कैसे काटा जाता है, उसको कैसे खाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।